लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे मुकेश सहनी? बीच नदी में फंस गई है सहनी की नाव। बीजेपी भी नहीं दे रही भाव, महागठबंधन में पहले से भी। निशा जातियों के बिहार में स्वघोषित सन ऑफ मला मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दो राहे पर है। मुकेश सहनी मन नहीं बना पा रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ रहकर चुनाव लड़े या फिर बीजेपी का हाथ पकड़ एनडीए में वापसी कर ले। ऐसे में इनकी नाव बीच मजार में फंसी हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक तौर पर सहनी की छवि एक ऐसे नेता की है जो किसी भी वक्त हाथ पकड़ और छोड़ सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो तेजस्वी यादव की उस पीसी से निकलकर बीजेपी के पास चले गए थे जिसमें सीट शेयरिंग का ऐलान हो रहा था। बिहार में जो माहौल है उसके हिसाब से महागठबंधन में रहकर 2024 का लोकसभा चुनाव ये लड़ सकते हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में सहयोगी पशुपति पारस की रालोचपा सहित अन्य संभावित सहयोगी दल जैसे चिराग की लोजपा, रामविलास कुशवाहा की आरएलजेडी और माझी की हम पार्टी भी नजर आ रही है। ऐसे में बिहार के बड़े जातीय नेताओं में बस मुकेश सहनी ही बचे हैं जिनका लाइन लेंथ अभी तक तय होता नहीं दिख रहा है। बाकी सब टीम में सेट दिख रहे हैं। मुकेश सहनी को सबक दोनों गठबंधन से मिले हैं, इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी को किसी से वैर नहीं है, उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से उनको मान सम्मान नहीं मिला, या यूं कहें कि समान भर सीटें नहीं मिली। मुकेश सहनी बीजेपी के साथ गए तो मुंह ऐसा जला कि अब पानी भी फूक फूक कर पीने लगे हैं। मुकेश सहनी के राजनीतिक व्यवहार को देखने से यह तो साफ है कि वो करेंगे वही जिसमें उनका और उनकी पार्टी वीआईपी का फायदा हो। जिस गठबंधन में ज्यादा सीट मिले मुकेश सहनी उसकी तरफ झुक सकते हैं। मुकेश सहनी ने बीजेपी के सामने दो डिमांड रखी है। एक तो उनको चिराग पासवान की पार्टी से कम सीट नहीं चाहिए, जितनी सीट बीजेपी चिराग को दे उनको भी उतनी ही सीट चाहिए। दूसरी बात कि सीटें 3 से कम नहीं हो जितनी उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने दी थी। आइए अब जानते हैं कि सहनी की राजनीतिक हैसियत क्या है। बिहार में सहनी निषाद, बिंद और गंगोट जैसी दो दर्जन मल्लाह उप जातियां और जाति हैं जिनका एकमात्र नेता होने का दावा मुकेश सहनी करते हैं। दावे की मजबूती के लिए उन्होंने खुद को सन ऑफ मल्लाह उपाधि दे रखी है। अनुमान के मुताबिक बिहार में मल्लाहों की आबादी 8 से 10% है। जिन इलाकों में नदियां, तालाब और पोखरे हैं वहां मल्लाह ज्यादा हैं। इस हिसाब से उत्तर बिहार के कई इलाकों में मुकेश सहनी का प्रभाव ज्यादा माना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सहनी की बिरादरी में शामिल सभी उपजातियां उनके साथ हैं, मगर इनका 1-2% वोट भी अगर ये बीजेपी को दिला पाते हैं तो इसका फायदा 2024 में एनडीए को मिलना तय है। जातीय वोट शेयर के हिसाब से बात करें तो मुकेश सहनी का वजन चिराग पासवान या उनके चाचा पारस और उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा है। बिहार में पासवान कुशवाहा दोनों जातियों के वोट 6% रहने का अनुमान है, इसलिए वोट शेयर में पासवान और कुशवाहा पर भारी मुकेश सहनी एनडीए के सीट बंटवारे में वीआईपी को कोई नुकसान नहीं चाहते हैं। इसलिए मुकेश सहनी कह रहे हैं कि वीआईपी के सीटें चिराग की पार्टी से कम न हो। महागठबंधन से माझी की हम अलग हो चुकी है, इसका फायदा सहनी को मिल सकता है। जानकार बताते हैं कि अगर सहनी 2024 चुनाव में एक सीट पर राजी हो जाते हैं तो नीतीश तेजस्वी की जोड़ी अपने कुनबे में शामिल कर इनका स्वागत करेगी, लेकिन इसकी संभावना कम ही है क्योंकि सहनी जानते हैं महागठबंधन में पहले से शामिल 6 दल के रहते इनकी 3 सीटों की डिमांड पूरी नहीं होने वाली। हालांकि सियासत में कब कौन सी डील संभव हो जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए सहनी बिहार में नीतीश और लालू दोनों के प्रति नरम तेवर बनाए हुए हैं। सहनी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे लोकप्रिय नेता बताते हैं, वहीं सीएम नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर इस गौरव का पल होना भी बताते हैं। कहने का मतलब ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर की नीति पर चल रहे हैं। बहरहाल सहनी के तमाम दावों और डिमांड के बीच असल संकट बीजेपी के सामने है कि कैसे वो बिहार में 30 से 32 सीट लड़े और चिराग पारस कुशवाहा माझी और सहनी को साथ भी रखे। 10 सीट में इन 5 नेताओं को मनाना
आसान काम नहीं है और इससे नीचे बीजेपी जाना नहीं चाहती, क्योंकि छोटे दलों के त्रिशंकु सदन बनने पर भटकने का खतरा भी रहता है। सहनी एनडीए और महागठबंधन दोनों में से किसके साथ जाते हैं या गठबंधन नहीं होने पर एकला चलो की नीति पर चलते हैं, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। मुकेश सहनी को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।